हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि फेसबुक एड्स में मल्टी एडवर्टाइजर एड्स क्या होते हैं, इसका क्या बेनिफिट है, ये कैसे वर्क करता है और आप कैसे अपने कैंपेन में इसे सेटअप कर सकते हैं ताकि आपको मैक्सिमम आरओआई मिले और आप राइट ऑडियंस तक पहुंच पाए आपका एड्स। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक न्यू टाइप का फीचर है जो फेसबुक ने इंट्रोड्यूस करा है, इसको जरूर यूटिलाइज करना। चलिए सबसे पहले हम इसे डेफिनेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि मल्टी एडवर्टाइजर एड्स क्या है, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे और आपको सेटअप करके भी ये सारी चीजें मैं दिखाने वाला हूं। यहां पर आप इसका कुछ डेफिनेशन आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है मल्टी एडवर्टाइजर एड्स ऑफर सिमिलर प्रोडक्ट और सर्विस टू बी शोकेस्ड विद इन द सेम एड स्पेस। इमेजिन यू आर एडवर्टाइजिंग वेडिंग फोटोग्राफी सर्विसेज एंड फेसबुक पेयर्स योर एड विद रिलेटेड ऑफर लाइक वेडिंग वेन्यूज और इवेंट प्लानिंग सर्विसेज। अब इसको मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाता हूं। अभी क्या है कि फेसबुक ने एक नया लॉन्च करा है ये वाला फीचर। जब आप फेसबुक पर स्क्रॉल कर रहे होते हैं या इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर रहे होते हैं और आप कोई ऐड को क्लिक करते हैं, जैसे कोई शू से रिलेटेड है या फिर कोई फेस सीरम है या व्हाइटनिंग क्रीम से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है, वहां पर कॉल टू एक्शन होता है शॉप नाउ। आप यहां पे क्लिक करते हैं और उसके लैंडिंग पेज को एक्सप्लोर वगैरह करते हैं, फिर उसके बाद आप एग्जिट कर जाते हैं तो उस ऐड के नीचे कुछ इस तरीके से आपको लिखा हुआ दिख सकता है। आपको यह लिखा हुआ दिख सकता है यू माइट लाइक दिस, इस तरीके से उस एड के नीचे, और फिर वहां पर सी यू ऑल आप करेंगे। अभी मैं आपको ये सारी चीजें दिखाऊंगा तो वहां पर आपके जो एड हैं, यानी जो फेस सीरम से रिलेटेड, क्लोथिंग से रिलेटेड, वहां पर शूज से रिलेटेड सारे एड्स वहां पर आपको एक ही जगह दिख जाएंगे। अब इसमें बेनिफिट क्या है, एज ए यूजर क्या बेनिफिट है और एज ए एडवर्टाइजर क्या बेनिफिट है, यही चीज आपको जरूर समझना चाहिए। पहले मैं इसको डेफिनेशन कंप्लीट करता हूं, उसके बाद मैं आपको और अच्छे से समझाता हूं। जैसे मैं यहां कहा कि अगर मैं वेडिंग फोटोग्राफी से रिलेटेड एड रन कर रहा हूं तो मेरे ऑडियंस कौन होंगे, ऐसी ऑडियंस जिनका एंगेजमेंट हो चुका है, जो वेडिंग करने वाले हैं, जो प्री वेडिंग या फिर एंगेजमेंट शूट के लिए वो वेडिंग फोटोग्राफी को सर्च कर रहे हैं। अब उन्हें कोई ऐड दिख जाता है जैसे इवेंट प्लानर का या फिर वेडिंग रिंग, वेडिंग क्लोथिंग से रिलेटेड, शेरवानी से रिलेटेड उन्हें एड्स दिख जाता है, और वहीं पर आपका ऐड अगर दिख जाता है एज ए वेडिंग फोटोग्राफर का, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो ऑडियंस वो उस क्लोथिंग से रिलेटेड रिंग से साथ के साथ वो आपके वेडिंग फोटोग्राफी में भी इंटरेस्ट हो सकता है, वो आपसे भी इंक्वायरी कर सकता है, आपको भी कॉल कर सकता है। इसीलिए फेसबुक इस टाइप के नए नए फीचर्स वो लाते रहता है ताकि एडवर्टाइजर को वो मैक्सिमम रिजल्ट मिल सके और जो ऑडियंस है उसको भी बहुत ही प्रिसाइज टाइप की एड्स दिखे जो उनके इंटरेस्ट, उनके बिहेवियर और उनके डेमोग्राफिक को मैच करता हो। इसीलिए ये मल्टी एडवर्टाइज एड्स का ऑप्शन लाया गया है ताकि एडवर्टाइजर और ऑडियंस दोनों को ही राइट ऑडियंस राइट रिजल्ट मिल सके। इसे हम पहले प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको फर्दर और अच्छे से इसे समझाने की कोशिश करूंगा। तो मैं यहां पर आ चुका हूं अपने एक इंस्टाग्राम पर, मैं आपको दिखा देता हूं, यह है मेरा इंस्टाग्राम। जैसे मैं होम पे जाऊंगा, अगर मुझे कोई एड्स दिख जाता है तो यहां पर मैं आपको लाइव ये सारी चीज दिखा दूंगा। जैसे ये देखिए, ये एक स्पॉन्सर्ड है यानी एड है, मैं इस पर क्लिक करूंगा शॉप नाउ, ठीक है। और मैं शॉप नाउ करने के बाद मैं इस वाले लैंडिंग पेज को एक्सप्लोर वगैरह करता हूं, और जब मैं ये सब कर रहा होता हूं तो फेसबुक को क्या मैसेज जाता है, मैं कहीं ना कहीं इस प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्टेड हूं। देखो, फेसबुक से आप कुछ भी नहीं छुपा सकते, वो आपकी हर एक एक्टिविटी को ट्रैक करता है, आपके बिहेवियर को वो अच्छे से जानता है। जैसे मैंने उसे एक्सप्लोर करा और मैं बाहर आया, यहां पर आपको इस तरीके से दिख जाएगा यू माइट लाइक दिस। आप इसे एक्सप्लोर करना इस चीजों को, और यहां पर सी ऑल दिख जाएगा, यानी इस एड से रिलेटेड ये जो एड है जो मैंने देखा यहां पर, फेस सीरम से रिलेटेड है या हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, अब इसी टाइप के एड्स, इससे जो रिलेटेड एड होंगे वो हमें यहां पे दिख जाएंगे। यानी ऐसे एडवर्टाइजर के भी एड्स मुझे यहां पे दिख जाएंगे जो मेरे फीड में नहीं दिख रहे थे। तो यहां पर एडवर्टाइजर को कितना राइट ऑडियंस देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहां पर उसको पता है कि ये मेरा ऑडियंस है, इन्होंने इंटरेक्शंस करा है, तो जरूर इनको जो सिमिलर प्रोडक्ट है उसमें भी इंटरेस्ट हो सकता है। इसलिए यहां पर आपको मल्टी एडवर्टाइजर एड्स देखने को मिलता है। लेकिन ये यूं ही नहीं दिख जाता, जब आप कैंपेन बनाने जाते हैं तो कैंपेन में एक ऑप्शन होता है, वहां पर फेसबुक ने डिटेल से आपको बता रखा है कि इसे आपको क्यों ऑन करना चाहिए। अगर आप इसको बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज उसे ऑफ ही रखेंगे आप, फिर आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, यानी आपके जो एड्स हैं वो यू माइट लाइक दिस में नहीं जाएगा। इसी तरह से अगर मैं आपको एक दूसरा एड्स भी दिखाऊं, देखिए क्लोथिंग से रिलेटेड एड है, मैं यहां पर फिर से क्लिक करूंगा और मैं इसके लैंडिंग पेज वगैरह को मैं एक्सप्लोर करूंगा, यहां से मैं एक्सप्लोर करूंगा, यहां से फेसबुक को क्या मैसेज मिल गया कि मैं इंटरेस्टेड हूं इन टाइप के बिजनेसेस में, इस टाइप के प्रोडक्ट्स में, और फिर मैं जैसे ही यहां से एग्जिट करूंगा, मैं बाहर की तरफ आऊंगा, यहां पर मुझे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कि क्या आप इस टाइप के जो एड्स और रन हो रहे हैं फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, उसे भी आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो यहां पर आपको इस तरीके से बेनिफिट मिल जाता है। चलिए अभी हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये वर्क कैसे करता है मल्टी एडवर्टाइजर
एड्स कैसे वर्क करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है फेसबुक एडवांस मशीन लर्निंग शोकेस एड्स फॉर कंप्लीमेंट्री एडवर्टाइजर इन ए शेयर एड्स स्पेस बूस्टिंग एंगेजमेंट विजिबिलिटी एंड आरओआई। मैं आपको बता चुका हूँ जो ऑडियंस इंटरेस्टेड है, जिनके तरफ से मैसेज जा रहा है फेसबुक को कि ये राइट ऑडियंस है और ये जो माइंडसेट है इनका अभी परचेज करने के माइंडसेट है, इसलिए उनको अब वो वाला एड दिखाओ। इनका मशीन लर्निंग ये सब कुछ वहाँ पर ट्रैक करता रहता है, ठीक है। इट हेल्प यू टू कनेक्ट विद द राइट ऑडियंस एट द परफेक्ट मोमेंट इन देयर डिसीजन मेकिंग जर्नी। जैसे ही मैंने ऐड को ओपन करा, इससे क्या मैसेज पहुंच गया फेसबुक को कि मेरा डिसीजन लेने की पावर है, मैं अभी डिसीजन ले सकता हूं। और मैंने उनके लैंडिंग पेज को एक्सप्लोर करा, वहां पर मैंने टाइम स्पेंड करा, उसके बाद मैं वहां से एग्जिट कर गया, ठीक है। उसके बाद मुझे उसी टाइप के सारे एड्स देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से वर्क करता है ये मल्टी एडवर्टाइजिंग एड्स। एक्चुअली जब आप फेसबुक पर ऐड रन करने जाते हैं तो फेसबुक के ऊपर काफी बर्डन होता है, वो चाहता है कि किसी भी तरह आपको रिजल्ट ला कर दे, क्योंकि जब वो आपको रिजल्ट ला कर देंगे तभी एडवर्टाइजर वहां पर मनी स्पेंड करेगा फेसबुक के ऊपर, जिससे कि अल्टीमेटली उसका रेवेन्यू इंक्रीज करेगा। इसलिए वो इस तरह के बहुत सारे नए नए ऑप्शन, नए नए फीचर्स को इंट्रोड्यूस करता है ताकि राइट ऑडियंस को टारगेट करके आपको डिजायर रिजल्ट मिल सके। इसलिए इस टाइप के बहुत सारे फीचर्स फेसबुक आगे फ्यूचर में लाने वाला है, पास्ट में भी वो इस तरीके के बहुत सारे फीचर्स ला चुका है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि बेनिफिट क्या होगा, मल्टी एडवर्टाइजर एड्स का क्या बेनिफिट हमें देखने को मिलता है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि आपकी जो रीच है, जो इनहेंस हो जाती है आपकी रीच, यानी राइट ऑडियंस तक ही आपकी रीच मिलेगी। ऐसी ऑडियंस जो डिसीजन लेने की अभी सिचुएशन में है, जिनका परचेजिंग पावर भी है और जो इंटरेस्टेड है आपके प्रोडक्ट में, तो ऐसे ऑडियंस तक ही आपको रीच मिलती है। जब ऐसी ऑडियंस तक आपका प्रोडक्ट या सर्विस पहुंचेगा तो ऑब्वियसली वहां से आपको कन्वर्जन देखने को मिलेगा। यहां से इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस, आपकी एड की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, क्योंकि राइट ऑडियंस तक आपका एड पहुंच रहा है तो वहां पर आपको कॉस्ट पर कन्वर्जन वगैरह भी बहुत कमाएंगे। कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, जो मैं आपको बता चुका हूं कि राइट ऑडियंस है तो वहां पे वो एक्शन लेंगे, आपका सीटीआर इंप्रूव होगा और आपका कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से एड रन करेगा। बेटर यूजर एक्सपीरियंस है यहां पे, ये फीचर यूजर के लिहाज से भी काफी बेनिफिशियल है। ऐसा नहीं लगता कि उन्हें बार बार फीड में एड्स को दिखाया जा रहा है, वो एड्स की वजह से काफी इरिटेट हो चुके हैं, बल्कि ये एक तरह से ऑर्गेनिक पोस्ट की तरह दिखता है, जिससे यूजर एक्सपीरियंस भी काफी इंप्रूव होता है और ये स्मूथली एड रन होते हैं। आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा कि मल्टी एडवर्टाइजर एड्स क्या है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं एक अपने कैंपेन में जो मैंने इस्तेमाल करा है और इससे मुझे क्या रिजल्ट मिला है। एक्चुअली फेसबुक एड्स में सिर्फ आप कैंपेन बना लेते हैं और उसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे यहां पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिले, ऐसा नहीं होता। फेसबुक में ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसको आपको यूटिलाइज करना पड़ता है और हर एक ऑप्शन अगर 1% भी इंप्रूव करता है आपके एड्स को, तो आप देख सकते हैं कि आपका कितना अच्छा आरओआई आ सकता है। अब यहां पे देख सकते हैं एक एग्जांपल है, लाइव मैं आपको दिखा सकता हूं। मैं यहां पे एक हफ्ते से अपने क्लाइंट्स के लिए वर्क कर रहा हूं। ये एक प्रोडक्ट है जो कि फेस व्हाइटनिंग क्रीम है, ठीक है। और ये इनका जो क्लाइंट है, इनकी रिक्वायरमेंट है कि ये व्हाट्सएप पर मैसेज लेकर आते हैं, लीड्स लाते हैं, इंक्वायरीज वगैरह, और वहां से वो प्रोडक्ट को सेल करते हैं। और इस कैंपेन में मैंने मल्टी एडवर्टाइजर एड्स वाले फीचर को इस्तेमाल करा है और इसकी वजह से आप यहां पे देख सकते हैं कि कितना अच्छा मुझे यहां पे 2000 के करीब रिजल्ट आए हैं, यानी मैसेजेस आए हैं। और सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इस कैंपेन का, वो आप देख सकते हैं कि कॉस्ट पर रिजल्ट, यानी कितने कम पैसे में हमें यहां पर एक कॉस्ट देखने को मिला है, यानी 10 रुपए की मुझे यहां पर लीड आ रही है। आप समझ सकते हैं, यानी 100 रुपए में मुझे यहां पर 10 लीड्स आई और 10 का अगर मैं 4 भी सेल कर पाता हूं, 4 भी कन्वर्ट हो जाते हैं और मेरे प्रोडक्ट की प्राइस 500 रुपए है, तो 2000 रुपए यहां पर रेवेन्यू हो गई और मैं यहां पर 100 रुपए खर्च कर रहा हूं। तो आप देख सकते हैं आरओएस कितना ज्यादा आ सकता है अगर मैं इस तरीके से कैंपेन रन करता हूं। तो यही बेनिफिट है फेसबुक के नए नए फीचर्स का कि आप जब इनको यूटिलाइज करते हैं, क्या उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने कैंपेन में, तो इस लेवल का रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि ये ऑप्शन होता कहां पर। ये तो एक कैंपेन है, इसी तरीके से मल्टीपल कैंपेन है जिसमें मैं मल्टीपल एडवर्टाइजर एड्स को इस्तेमाल करता हूं और इस तरीके का रिजल्ट लेकर आता हूं अपने क्लाइंट्स के लिए, ठीक है। मैं इसे एडिट करूंगा, आपको ये वाला ऑप्शन एड लेवल पर मिलता है जहां पर आप अपना क्रिएटिव वगैरह इस्तेमाल करते हैं। यहां पे देखेंगे ये एड्स कैंपेन लेवल है, एडसेट लेवल पर भी ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आपको आ जाना है एड लेवल पर, ठीक है। यहां पर आएंगे एड लेवल पर और यहां पर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, एड सेटअप है और एड सेटअप के नीचे ही आपको यहां पे मल्टी एडवर्टाइजर एड्स का ऑप्शन मिलता है। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। आप यहां पे देख सकते हैं, ये देख सकते हैं ये ऑप्शन एड सेटअप के नीचे और यहां पे मैंने इसे चेक कर रखा है, यानी मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं इसको। इसमें कह रहा है फेसबुक योर एड्स कैन अपियर अलोंगसाइड अदर एड्स इन द सेम एड यूनिट टू हेल्प पीपल डिस्कवर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फ्रॉम बिजनेसेस दैट आर पर्सनलाइज्ड टू देम। योर एड क्रिएटिव में बी रीसाइज्ड और क्रॉप टू फिट
द एड यूनिट, यानी आपके जो एड है वो उसी टाइप के एड के साथ आपको शो कराया जाएगा जिसमें लोग इंटरेस्टेड हैं। अगर मेरा ये जो प्रोडक्ट है ये फेस क्रीम है, ठीक है, यानी यूथ जो ऑडियंस है वो ज़्यादातर इसको प्रेफर करते हैं, वो क्रीम वगैरह लगाते हैं, और गर्ल्स के लिए है तो गर्ल्स काफ़ी इसमें इस चीज़ों में इंटरेस्टेड रखती है। तो फिर ऐसे ऑडियंस जैसे बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड है जैसे लॉरियल्स हो गए, ये सब अपने एड्स रन करते हैं, तो उन्हीं के साथ साथ मेरा भी एड वहाँ पर शो होगा। तो आप देख सकते हैं कि इतना बेनिफिट है इस ऑप्शन का। इसी तरह आपको भी फेसबुक के इस नए फीचर को इस्तेमाल करना है और आप देखेंगे कि आपको इससे बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। एक्चुअली जब भी कोई नया फीचर्स इंट्रोड्यूस करता है फेसबुक तो वो बेहतरी के लिए ही करता है, आपके लिए बेहतर होता है, उससे रिजल्ट आता है आपको। अगर आप उसे सही तरीके से प्रॉपर तरीके से समझ कर स्ट्रैटेजिकली उसको इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसी तरीके का रिजल्ट देखने को मिलेगा जैसे मेरे इस क्लाइंट को देखने को मिल रहा है। और अगर आप यही सारी चीज़ें लाइव क्लासेस में सीखना चाहते हैं, पर्सनलाइज ट्रेनिंग आप लेना चाहते हैं फेसबुक एड्स की, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहां पर मैंने आप लोगों के लिए लाइव फेसबुक एड्स मास्टरी कोर्स लॉन्च करा है, ये आप देख सकते हैं। कोर्सेज के कुछ यहां पे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये जो कोर्स है वो आम कोर्सेज की तरह नहीं है कि मैं आपको LMS की रिकॉर्डिंग करके दे देता हूं, बल्कि ये कंप्लीटली लाइव एंड इंटरेक्टिव क्लासेस हैं। और ये जितने भी फीचर्स हैं, जो भी नए नए फीचर्स आते हैं यहां पर, आपको उससे रूबरू कराया जाता है, आपको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। ऐसा नहीं कि ये स्टैटिक पार्ट है कि मैंने एक बार रिकॉर्ड कर दिया और उस टाइम तक जितने भी नए फीचर्स आए थे मैं उसको बता दिया, उसके बाद आपको कुछ नहीं बताया जा सकता। ये एक प्लेटफॉर्म है जो काफी डायनेमिक है, चाहे गूगल एड्स हो, फेसबुक एड्स हो, यहां पर हर महीने कुछ नए अपडेट्स आते हैं, कुछ नए चेंजेस वगैरह आते हैं। इसलिए अगर आप एक एडवर्टाइजर बनना चाहते हैं, आप रिजल्ट लाना चाहते हैं इस फील्ड में, तो आपको डेली सीखने की एटीट्यूड रखना होगा। आपको अपने आप को इस तरीके से डेवलप करना पड़ेगा कि आप कोई भी नया चीज आए उसको आपको एक्सेप्ट करना आना चाहिए, अडॉप्ट करना आना चाहिए, तभी आप रिजल्ट ला सकते हैं। पर्सनली मैं जब भी कोई नई फीचर्स आते हैं उसे जरूर मैं एक्सपेरिमेंट करता हूं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फेसबुक अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, उनके पास बहुत सारी टेक्निकल टीम है जो एडवर्टाइजर के लिए बेनिफिट के लिए ही वो चीजें लाते हैं। इसलिए ये सारे चीज इस कोर्स में आपको सिखाया जाता है। क्योंकि ये कोर्स कंप्लीट लाइव है तो यहां पर आपको जितने भी अपडेटेड कंटेंट है वही आपको पढ़ाए जाते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ये 4 वीक की मॉड्यूल है, प्रैक्टिस टेस्ट असाइनमेंट्स आपको दिए जाएंगे, रीडिंग मटेरियल्स दिए जाएंगे और 100% प्रैक्टिकल है। और सबसे बड़ी ब्यूटी जो है इस कोर्स की वो यहां पर आप देख सकते हैं, ऑल लेसन ऑन लाइव एड अकाउंट। मेरे पास ऐसे 500 क्लाइंट है जिनके लिए मैं एड रन करता हूं। आप यहां देख सकते हैं जो मैं आपको बता चुका हूं, ये मेरे व्हाइटनिंग क्रीम के लिए है क्लाइंट। यहां पर आप देख सकते हैं जो मैं वेबिनार के लिए एड रन कर रहा हूं, यहां पर आप देख सकते हैं एक यहां पर है जो वेडिंग फोटोग्राफी से रिलेटेड ये एड है जहां पर मैं इनके लिए रिजल्ट्स वगैरह लेकर आ रहा हूं। इसी तरीके से आप देखेंगे दूसरा यहां पर एक क्लाइंट है मेरे जो वेबिनार शो सेल कर रहे हैं, कोर्सेज वगैरह सेल करते हैं, तो इनके लिए एड रन कर रहा हूं। इसी तरीके से आप भी ये सारी चीजें मुझसे सीखकर इस तरीके के क्लाइंट को मैनेज कर सकते हैं। एक बार सिर्फ आपको फेसबुक एड्स प्लेटफॉर्म को समझना है, उसकी एक्सपर्टीज हासिल करती है, उसके बाद आप डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट को सर्विसेज दे सकते हैं और उनसे आप एक मिनिमम कॉस्ट चार्ज कर सकते हैं। अगर यहां पे मैं स्क्रॉल करता हूं तो आप ये देख सकते हैं इस कोर्स के जितने भी टॉपिक्स हैं उन्हें मैंने मॉड्यूल वाइज यहां पे डिवाइड करा है, और उस मॉड्यूल में आपको टॉपिक सब टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो फेसबुक एड से यहां से आपसे मिस हो जाए। मैंने एक एक यहां पे टॉपिक को, वो चाहे बड़ी टॉपिक हो या छोटे, हर एक टॉपिक को मैंने यहां पे कवर करा है। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुली मैंने इस मॉड्यूल को डिजाइन करा है। अगर आपको ये मॉड्यूल फ्री में चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैं आपको ये मॉड्यूल फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप बेटर अंडरस्टैंड कर सको कि आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा इस क्लासेस में। उसके बाद आपको डिसीजन लेना है कि आपको मेरा क्लास ज्वाइन करना है या नहीं करना है। आप यहां पे देख सकते हैं ये सारे हैं, और उसके बाद यहां पर कुछ असाइनमेंट्स भी हैं आप लोगों के लिए। जब मैं आपको बेसिक टू एडवांस लेवल पर चीजों को एक एक पार्ट बाय पार्ट सिखा देता हूं तो उसके लिए ये आपके कुछ असाइनमेंट है जो आपको सबमिट करना पड़ता है मेरे पास। मैं आपसे हर एक टाइप के बिजनेसेस के लिए असाइनमेंट्स क्रिएट करवाता हूं। अब मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट के होते हैं जिनके लिए मैं आपसे एड रन करवाता हूं, आपको देता हूं कि आप एड करके मुझे दिखाओ यहां पे पिक्सल कैसे सेटअप करना है, यहां पे कैसे कैटलॉग क्रिएट करना है, लीड कैंपेन कैसे चलेंगे, इंस्टेंट फॉर्म वाले लीड ऐड कैसे चलेंगे, यहां पर आपको लीड कैसे जनरेट करना है व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट कैसे करना है, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैंपेन को मैं लाइव एड अकाउंट पर आपको ये सारी चीजें करके दिखाता हूं। तो ये सारे बेनिफिट है मेरे इस कोर्सेज के। इसलिए अगर आप भी फेसबुक एड्स में एक्सपर्टीज हासिल करना चाहते हैं, आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, अपने करियर को स्विच करना चाहते हैं फेसबुक एड्स गूगल एड्स के फील्ड में, तो आप मुझसे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप इंक्वायरी कर सकते हैं या फिर आप डेमो के लिए भी आ सकते हैं, वो कंप्लीटली फ्री है। क्लास ज्वाइन करने से पहले आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं हर लेवल के क्वेश्चंस का आंसर मैं देता हूं, इसलिए मैंने आपके लिए लाइव क्लासेस रखा है। एक डेमो क्लास में आप आइए, हमारे साथ बातचीत कीजिए, जब आपको ऐसा लगे कि नहीं मैं जेन्युइन हूं, मैं सही से आपको पढ़ा सकता हूं, आपको एक्सपर्टीज हासिल करा सकता हूं, तभी आपको ज्वाइन करना है। आज की इस वीडियो में इतना ही है, जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।